हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ईश्वरस किचन। आज हम देखेंगे चार पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी। ये काफ़ी झटपट बनते हैं, इन्हें ज़रूर ट्राई करें। आज हम देखेंगे क्रिस्पी पोटैटो गार्लिक वेजेस कैसे बनाया जाता है। ये बहुत ही जल्दी बनता है, लेस इंग्रेडिएंट्स में और काफ़ी टेस्टी भी बनता है। तो मैंने यहाँ लिए है 2 मीडियम साइज्ड आलू। आलू को हमें वेजेस में कट करना है। इस तरीके से मैंने यहाँ वेजेस बना लिए हैं। फिर उसमें डालना है आधा बड़ा चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधा बड़ा चम्मच नमक। उसी के साथ हमें डालना है 2 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हमारे वेजेस के साथ अच्छे से मिक्स करना है। बेकिंग ट्रे को तेल से ग्रीस करना है। उस पर ये पोटैटो वेजेस हम अरेंज करेंगे। अवन को मैंने 10 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे प्रीहीट किया था। अब ये पोटैटो वेजेस रखकर हम इसे 180 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। फिर बनाना है गार्लिक बटर। उसके लिए हम लेंगे 1 बड़ा चम्मच अनसॉल्टेड बटर। यहाँ मैंने घर का मक्खन यूज़ किया है। उसे मेल्ट करेंगे। फिर उसमें डालेंगे 1 और आधा बड़ा चम्मच लहसुन की पेस्ट। फिर उसमें डालेंगे आधा कप बारीक कटा हुआ धनिया। यहाँ मेरा बटर थोड़ा थिक हो गया था, इसलिए मैंने 1 बड़ा चम्मच और मक्खन डाला है। हमारा गार्लिक बटर अब बनकर तैयार है। अब ये पोटैटो वेजेस बेक हो चुके हैं। इसे गार्लिक बटर के साथ हम मिक्स करेंगे। वेजेस को हमें एक प्लेट में सेपरेट करना है। और अलग अलग पोटैटो स्नैक्स की रेसिपीज़ की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उसे भी ज़रूर देखें। अब हम देखेंगे आलू टिक्की की रेसिपी। 4 आलू लेंगे, उन्हें बॉईल और मैश करके लेंगे। इसे एक बोल में डालेंगे। उसमें डालेंगे 1 चॉप किया हुआ प्याज बड़े साइज का, आधा कप पुदीने के पत्ते, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर 1 टीस्पून, हिंग आधा टीस्पून, ज़ीरा पाउडर आधा बड़ा चम्मच, धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच और चाट मसाला 1 बड़ा चम्मच। फिर इसमें आधे नींबू को स्क्वीज करेंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है। फिर डालेंगे नमक 1 बड़ा चम्मच और वापस इसका डो बना लेंगे। हाथ को थोड़े से तेल से ग्रीस करेंगे और फिर इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। इस तरीके से हमें टिक्की बनानी है। अब इन टिक्कियों को हमें कॉर्नफ्लावर स्लरी में डिप करना है। 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर में 3 बड़े चम्मच पानी डाला है। कॉर्नफ्लावर के कारण बाइंडिंग भी होती है और थोड़ा सा क्रिस्पी टेक्सचर भी आता है। सबको कॉर्नफ्लावर स्लरी से कोट कर लिया है। उसके बाद एक पैन में हम शैलो फ्राई करने के लिए थोड़ा सा तेल लेंगे। तेल को पूरे पैन पर इक्वली स्प्रेड करना है। उसके ऊपर टिक्की रखेंगे और दोनों साइड से इसे हमें अच्छे से शैलो फ्राई करना है। इसे बनने में कम से कम 10 मिनट लगते हैं। Thank you.
हम देखेंगे आलू अंडा पकौड़ा की रेसिपी। उसके लिए 4 बॉईल किए हुए आलू लेंगे, उन्हें मैश करना है। फिर इसमें 1 बड़े साइज का प्याज काट कर डालेंगे, उसी में 1/2 बोल हरा धनिया डालेंगे, 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, हल्दी पाउडर 1/4 बड़ा चम्मच, और फिर इसमें 1/2 नींबू स्क्वीज करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। फिर एक बोल में बेसन लेंगे, उसमें 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 बड़ा चम्मच नमक, और इसमें 1/2 बड़ा चम्मच अखा धनिया डालेंगे, साथ ही में 1/2 बड़ा चम्मच अजवाइन डालेंगे। और 1/2 बड़ा चम्मच जीरा, उसमें 1/2 ग्लास पानी डालना है और सेमी थिन बैटर बना लेना है। बैटर बनाने के बाद एंड में फ्राई करने से पहले इसमें हम 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे, इसके कारण बैटर फ्लफ होता है। हाथ को थोड़े से तेल से ग्रीस करेंगे, हमारा जो बनाया हुआ आलू का मिक्सचर है वो लेंगे, उसमें 1/2 अंडा काट कर डालना है और उसे आलू के मिक्सचर से कोट करना है। इसी तरीके से इसके हमें बॉल्स बना लेने हैं। पैन में तेल लेना है फ्राइंग के लिए। इन बॉल्स को हमारे बनाए हुए बेसन के बैटर में डिप करेंगे और इसे फ्राई करेंगे। सुनहरा रंग आने तक इसे हमें अच्छे से फ्राई करना है। अंडा आलू पकौड़ा बनकर तैयार है। अब हम देखेंगे क्रिस्पी पोटैटो बाइट्स की रेसिपी। ये खाने में काफ़ी कुरकुरा और मज़ेदार होता है, मक्कीन स्नैक्स की तरह ही इसका टेस्ट होता है। कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल लेना है, उसमें 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। गैस को लो फ्लेम पे रखकर इसे हमें 1-2 मिनट के लिए सौते करना है। उसके बाद डालेंगे 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 बड़ा चम्मच काली मिर्च पाउडर। एक चौथाई चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स और 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स। मसालों को मिक्स करेंगे
फिर इसमें 2 बोल पानी डालना है। और इसे बॉईल होने देना है। जैसे ही ये बॉईल होने लगता है, इसमें हम 1/2 बड़ा चम्मच नमक डालेंगे और 2 कप राइस फ्लावर डालेंगे। पानी एब्जॉर्ब होने तक हमें इसे चलाते रहना है। अब ये मिक्सचर बन चुका है और पानी भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है। यहाँ मैंने 5 बॉईल किए हुए आलू लिए हैं, इन्हें हमें मैश करना है। फिर ये मिक्सचर हमें मैश किए हुए आलू में डालना है। नमक स्वादानुसार डालें और डालेंगे 1/2 कप धनिया के पत्ते, ये ऑप्शनल है। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और इसका एक डो बना लेंगे। बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लावर डालेंगे 1/4 कप और वापस मिक्स करेंगे। फिर इसके छोटे पीसेस निकालकर इसे हमें सिलेंड्रिकल शेप में रोल करना है और इसे लंबा रोल करेंगे। फिर इन बाइट्स को हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। इसे आप बिना फ्राई किए 1 हफ्ते तक रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं और जब मन चाहे फ्राई करके खा सकते हैं। अब इन्हें मैंने कट कर लिया है, अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे। जैसे ही ये सुनहरे रंग के हो जाते हैं, इसे हम निकालेंगे। क्रिस्पी पोटैटो बाइट बनकर तैयार है।